हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं या अगर आपका पहले से ही ऐड था और आपने गूगल पे को डिलीट कर दिया तो उसको आप एक्टिवेट करने लगते हैं तो आपको कई की बार ये एरर आता है, योर गूगल पे मोबाइल नंबर इज़ लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट, द सिम इज़ इंसर्ट द डिवाइस, ये ऐसा लिखा एरर आता है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ये घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और ये देखिए, मैं गूगल पे ऐप को खोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पहले से ही बैंक अकाउंट ऐड है और जिनका बैंक पहले से ऐड नहीं भी है उनको भी ये एरर आता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये देखिए, ये मेरे तीन बैंक ऐड हैं। जैसे ही मैं स्टेट बैंक, ये मैं अपना बैंक पे एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। अगर आपका पहले से भी नहीं ऐड, किसी किसी को ये एरर आता ही आता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे को क्या एरर आता है। ये मेरा नेटवर्क भी देखिए, ऊपर ये नेटवर्क भी चला गया है अभी, ये फिर आ गया है नेटवर्क। अब ये देखिए, ये 2G हो गया है 4G से। अब जैसे ही मैं ये एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करूँगा, ये मेरे को ऑप्शन आया UPI पिन डालने का। ये मैं अपना UPI पिन डाल रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड काम नहीं करता। और ये देखिए, ये मेरे को एरर आ गया, योर गूगल पे मोबाइल नंबर इज लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट, इफ़ यू हैव ए जॉइंट NRI अकाउंट इट मे बी नॉट बी सपोर्टेड। ये देखिए, ये ऐसा एरर आ जाता है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही मैं आपको बताऊंगा। और जब भी आपको ये एरर आए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे को 8 जून को एरर आया था जब मैं अपना बैंक ऐड कर रहा था। आपको जब भी ये एरर आए तो उसके बाद आप ये कोशिश बार बार मत करिए, उसके बाद आप अपने गूगल पे को डिलीट कर दीजिए और आप वो टाइम नोट कर लीजिए और उसके 25 या 26 घंटे बाद आप गूगल पे को फिर से इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे में आपको क्या करना है। ये यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, बैंक में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, और उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक मत कीजिए। एक बार यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी चेक कीजिए कि आपने पहले भी यही ईमेल आईडी लगाई थी। अगर आपने ये ईमेल आईडी नहीं लगाई थी तो ये आप पेंसिल के निशान पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे चेंज गूगल अकाउंट पे जाकर अपना वही ईमेल आईडी चूज कर लीजिए जो आपने पहले लगाई थी और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको मोबाइल पे एक OTP आएगी, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा। अगर आपको ये ऑप्शन आ जाए तो आप रिसेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए, मेरे को OTP आ गई है, ये मेरा फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद जो भी आपका ऑप्शन है वो चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे ओके कर दीजिए। और ये मेरा पहले से ही ऐड था इसलिए मेरे को ये ऑप्शन आया यस कर दिया मैंने। और अब मैं ये एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा, ये अपना स्टेट बैंक का बैंक है मेरा। और जो भी परमिशन है वो परमिशन अलाउ कर दीजिए। और ये देखिए, ये मेरा फिर नेटवर्क ये 2G हो गया है। और ये ओके कर दीजिए। और यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आ गया मेरे को, ये मैं एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये 9 जून है, मैं 9 जून को कर रहा हूँ।
ठीक 25-26 घंटे बाद ही मैं कर रहा हूँ ये। और ये मेरे को यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आया अभी। और ये देखिए, ये मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। अब मेरे को वो एरर नहीं आया जो पहले आया था। इस तरह से आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।